तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्यानंद। स्वागत करता हूं आप सभी का डिजाइनिंग मंत्र में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर यूडीमी की तरफ से कुछ कोर्सेज को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बारे में पूरी अपडेट देना चाहूंगा। तो बेसिकली ये कोर्सेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होने वाली है, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद जावा, और साथ ही साथ यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BCA कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के किसी भी और कोर्सेज को कर रहे हैं, जैसे BCA हो गया, MCA हो गया, BTech हो गया। तो वो सब जब अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते, तो उन लोगों के यहाँ पर ये सारे स्किल्स को जरूर सीखना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर सीखते भी है। तो ऐसे में ये सारे कोर्सेज आपके लिए यहाँ पर बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन सारे कोर्सेज की रिव्यू यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आगे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, ये सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए जो लोग यहाँ पर कोर्सेज को जेन्युइनली करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन ये सारे कोर्सेज बहुत ही क्वालिटी कोर्सेज होने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिव्यू देखी और आपको भी आगे दिखाऊंगा जैसा कि मैंने आपको कहा। तो आपके लिए ये कोर्सेज बहुत ही मज़ेदार साबित हो सकते हैं, बहुत ही यहाँ पर यूजफुल साबित हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट को सीखना चाहते हो तो। लेकिन ये कोर्स कब तक फ्री रहने वाले, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ आपके लिए हमेशा फ्री रहने वाली है, वो है डिजाइनिंग मंत्र की सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं रोज आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं। तो इन सारे कोर्सेज के डिटेल के लिए सीधे चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां से मैं आपको इन सारे कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो बेसिकली हम लोग यहां पर यूडीमी के ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर आपको पहली कोर्सेज यहां पर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इन जावा की मिल जाएगी, दूसरी कोर्सेज यहां पर आपको लर्न एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मिलेगी, तीसरी यहां पर आपको वेब डेवलपमेंट बाय डूइंग HTML CSS फ्रॉम स्क्रैच, ये कोर्सेज आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। तो बात करने वाले तीनों कोर्सेज के बारे में, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इन जावा की अगर बात करें, तो ये कोर्सेज यहां पर 15 hour 21 minute की होने वाली है, जो बिल्कुल यहां पर फ्री होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इसके रिव्यूज दिखाता हूं, आप देख सकते हैं 4.6 के इसकी यहां पर रिव्यू होने वाली है। जितने भी लोगों की मैंने यहां पर कमेंट देखी, सबसे मुझे यहां पर एक पॉजिटिव कमेंट ही दिखा दिया, मतलब ये कोर्सेज बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये कंप्लीट कोर्सेज होने वाली है 15 hour 21 minute की, ऑन डिमांड वीडियो, जिसको आप लोगों के यहां पर कंप्लीट करके बहुत सारे नए नए स्किल्स यहां पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ यहां पर आपको मैं बता दूं, कोर्स कंटेंट में जाने के बाद आप पहले ही देख सकते हैं यहां पर कौन कौन से चीज़ें आपको यहां पर सिखाई जाएगी। यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको यहां पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें इस कोर्स को यहां पर कौन कर सकता है, तो यहां पर कोई भी इस कोर्स को कर सकता है जिसे यहां पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। तो यहां पर मैंने आपको बताई पहले एंड्रॉयड कोर्स के बारे में, बात करते हैं यहां पर दूसरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर एंड्रॉयड की दूसरी कोर्सेज जो कि बिगनर लेवल की यहाँ पर होने वाली है, आप देख सकते हैं ऑन डिमांड वीडियो यहाँ पर होने वाली, जो कि 26 hour 50 minute की कंप्लीट कोर्सेज होने वाली है। ये कोर्सेज भी आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री होने वाली है। कैसे इनरोल करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इस कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कई सारी यहाँ पर पॉइंट दी गई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे डिबग करना है, कैसे आपको फ्रैगमेंट को यूज़ करना है, कैसे आपको लिस्ट व्यू को यूज़ करना है, कस्टम टोस्ट को कैसे यूज़ करना है, और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें जो आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर कम्प्लीटली सिखाई जाएंगी। कोर्स का कॉन्टेंट अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर कोर्स के कॉन्टेंट में आपको सारी बातें यहाँ पर बताई जाएगी, कितने मिनट का आपका कौन सा मॉड्यूल होने वाला है, इफ़ एल्स कंडीशन, नेस्टेड लूप से लेकर के और भी सारी लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको बताया जाएगा, कमेंट्स इन जावा में कमेंट्स कैसे करना है, साथ ही साथ यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, मतलब यहाँ पर एरे से लेकर के आपको यहाँ पर क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूरी यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलने वाली है पहले मॉड्यूल में। दूसरे मॉड्यूल की यहाँ पर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड आती है, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा। बात करें अगर तीसरे मॉड्यूल की, तो यहाँ पर क्रिएटिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन, आपको अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को कैसे बनानी है, जिसके बारे में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। आप देख सकते हैं आईडी एप्लीकेशन पार्ट वन, आईडी एप्लीकेशन पार्ट टू, इसी तरह करके आपको इंटेंट, फ्रेगमेंट, रिसाइकल बिन से रिलेटेड सारे चीज़ें यहाँ पर सिखाने के बाद एक आप कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, और अपने स्किल्स में, अपने रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पर फायदा होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूडीमी के इस फ्री कोर्सेज से आपको किस तरीके से यहाँ पर बैक इन कोडिंग से रिलेटेड सारे स्किल्स को सिखाया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर फ्रंट इन डेवलपमेंट भी सीखना, मतलब एंड्रॉयड में कैसे डिजाइनिंग किए जाते हैं, कैसे आपको यूज़र इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलपर बनने के अपने सफ़र को यहाँ पर शुरू कर सको।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड स्प्लैश स्क्रीन विद एनिमेशन, एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरीके से आपको वेलकम पेज का डिज़ाइन करना है एनिमेशन के साथ, यहाँ पर एक ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लॉगिन पेज के डिज़ाइन को कैसे यहाँ पर डिज़ाइन करना है अलग अलग शेप्स के साथ, अलग अलग आइकॉन्स के साथ, अलग अलग बटन्स के साथ, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ कैसे आपको यहाँ पर लॉगिन पेज के डिज़ाइन करना है किसी एप्लीकेशन के लिए, उसका यहाँ पर एक डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्प्लैश स्क्रीन में कैसे आपको गिफ इमेजेस को यूज़ करना है उसका यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस तरीके से माई प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन करना है, एक अट्रैक्टिव माई प्रोफाइल पेज के डिज़ाइन को डिज़ाइन आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे करना है इसकी भी आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन देखने को मिल रही है। उसी के साथ आपको किस तरीके से यहाँ पर एक डैशबोर्ड तैयार करना है, एक कैब बुकिंग एप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया था जिसे आपको कैसे यहाँ पर तैयार करना है उसके बारे में पूरी ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना सीखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मेरे चैनल के यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी डिज़ाइन दिखाई सबके ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ये सारी मेरी अपनी डिज़ाइन है जिसे मैंने खुद से यहाँ पर बनाया है, डेवलप किया है। साथ ही साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे डिज़ाइन की कोड भी प्रोवाइड की है जिससे आपको यहाँ पर बहुत ही मदद मिलने वाली है, तो एक बार आप लोग ज़रूर जाके यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू यूज़ कलर कॉम्बिनेशन। तो किसी भी अच्छे डिज़ाइन को बनाने के लिए एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का आना आपको जरूरी हो जाता है। तो कलर कॉम्बिनेशन को किस तरीके से यूज़ करना है आपको अपने डिज़ाइन में उससे रिलेटेड भी मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाया है, इसे भी आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है इन सारे वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने आपको यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो यहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड HTML और CSS के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली ये कोर्सेज यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स होने वाला है जो कि 1 आवर 11 मिनट का डिमांड वीडियो होने वाला है, जिसके बाद आप लोग यहाँ पर एक छोटी मोटी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, व्हाट इज़ HTML और HTML5 हेलो वर्ल्ड की एक आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा, उसके बाद HTML5 बेसिक्स के बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू CSS, CSS3 एंड स्टाइलिंग के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ पर एक छोटी मोटी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। बाद में प्रैक्टिस करते करते आप लोग यहाँ पर अच्छे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो अब बात आती है इन सारे कोर्सेज के लिए आपको इनरोल कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, साइनअप कर लेना है या फिर लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर साइनअप करोगे तो आपको यहाँ पर फुल नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके साइनअप करना होगा। अगर आप यहाँ पर लॉगिन करते हो तो आप यहाँ पर गूगल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर फेसबुक के साथ भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जिस भी कोर्स को आपको करना है सिंपली आपको यहाँ पर इनरोल नाउ का यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो ऊपर में आपको यहाँ पर आपके प्रोग्रेस दिखाएगी कि आपने कितना परसेंट यहाँ पर कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर हमने अभी तक 1% कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, तो हमें यहाँ पर स्टार्ट कोर्स पर जाकर के क्लिक करना है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमारा जो कोर्सेज है वो शुरू हो चुका है। आप साइड में देखेंगे कोर्स की कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर हर एक मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाने वाली है, हर मॉड्यूल कितने मिनट की होने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।